हलचल टीवी न्यूज। सोनीपत में ट्रेनों में लूटपाट करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को जीआरपी थाना पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने 8 यात्रियों से लूटपाट का भी खुलासा किया है, जिनका एक अन्य तीसरा साथी पुलिस की पकड़ से बाहर है। गिरफ्तार दोनों आरोपी सोनीपत के ही रहने वाले हैं। लूट की इस वारदातों में इनका एक अन्य तीसरा साथी नवनीत अभी फरार है। जीआरपी थाना प्रभारी राजकुमार ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपी बहुत ही शातिर है, जो विशेष रूप से ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को निशाना बनाते थे। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे में 2500 रुपए की नकदी और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। 25 तारीख को पुरानी एक्सप्रेस में 3 लड़कों ने 8 आदमियों के साथ लूटपाट की घटना कर दी थी। एक लड़का दीपक नाम का, वो अपना वहाँ दबोच लिया गया था। आरपीएफ में जो ड्यूटी वाले थे, सब्जी मंडी ये कूद रहे दौड़ रहे हैं, 2 सफल हो गए थे। एक मोहित नाम के लड़के को हमने पकड़ लिया है और जो इनका मास्टरमाइंड है, तो तीसरा लड़का, उसका नाम नवनीत है और सभी ये सोनीपत के ही रहने वाले हैं। उसकी तलाश में जगह जगह छापे मार रहे हैं और ये जो मुलजिम है, ये हमने पुलिस कस्टडी रिमांड में लिए हुए हैं। अच्छा, ये बताओ, ये मोबाइल, एक मोबाइल बरामद हुआ है और एक जो पीड़ित व्यक्ति था उसकी वोटर आईडी कार्ड भी बरामद हुआ है और कुछ कैश बरामद हुआ है। कितना कैश बरामद हुआ? कैश अभी 2500 रुपये रिकॉर्ड हुआ है। जो तीसरा, इन्होंने पूछताछ में ये बताया, जो नवनीत है उसी के पास सारे पैसे हैं और इन्होंने कहा कि एक वहाँ मौके पर पकड़ा गया था, इसलिए वो पैसे हम बांट नहीं सके थे, पैसे और 3 मोबाइल नवनीत के पास है, उसके पकड़ने में हो सकता है कोई और भी वारदातों को के बारे में खुलासा उसके। और अब हमने रेलगाड़ियों में विशेष गश्त भेजकर यात्रियों की सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी वारदातों की पुनर्वृत्ति न हो। सोनीपत से हलचल टीवी के लिए संजीव खग्गस की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज।